नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ में रेलवे 9,500 सिपाही की भर्ती करेगा और ये भर्ती प्रक्रिया इसी महीने में शुरू होगी। और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 9,500 सिपाही की भर्ती की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। और इस भर्ती में आधे से ज़्यादा पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और पूरी जानकारी वीडियो में आगे आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आरपीएफ में 9,500 सिपाही भर्ती करेगा रेलवे, इसी माह शुरू होगी प्रक्रिया, आधे पद महिलाओं के लिए रहेंगे आरक्षित। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 9,500 सिपाही भर्ती करने का फैसला किया है। इनमें से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू हो जाएगी। रेलवे की योजना है कि ट्रेनों के महिला कोच में सिर्फ महिला कांस्टेबल तैनात रहेगी। महिला सिपाहियों का दस्ता मुंबई की लोकल ट्रेनों में तैनात किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ने महिला हेल्पलाइन नंबर 182 भी शुरू किया है, 182। इसे देखते हुए आरपीएफ में महिला सिपाही लगातार भर्ती की जा रही है। तो ये आने वाले समय में ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, जिसमें 9,500 पद रहेंगे और आधे पद महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित रहेंगे। रेलवे इसका एग्ज़ाम करवाने वाला है और वर्तमान में भी रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी, लोको पायलट, तो ये वैकेंसीज भी वर्तमान में रनिंग में हैं। आपने भी इनमें आवेदन किया होगा और आने वाले समय में ये वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।